देखो ये जो केस हाँ आप देख रहे हैं इसका नाम है कैलाश सिस्टिन, कैलाश। कैलाश तो हिमालय में है, सभी लोग कैलाश जा नहीं सकते करके इसको नाम दिया कैलाश। ये भी शिव को समर्पित है। इसमें आप देखेंगे शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, महाभारत, शिवलिंग ये सब इसमें दिखाया। ये केस लार्जेस्ट मोनोलिथिक है वर्ल्ड में। भी अगर आप जाएंगे तो एक चट्टान में, एक स्टोन में, एक पत्थर में इतना बड़ा केव कहीं पे भी नहीं है। ये केस को ऊपर से कट करके 200 इयर्स 10 जनरेशन नीचे लाया और ये केस को आप देखो रथ बनाया। रथ है ना, राजा के पास जैसे रथ होता है इसको रथ बनाया। रथ को नीचे क्या होते हैं? चक्के, व्हील। लेकिन आप इसको नीचे देखना, इसको व्हील नहीं है, इसको नीचे हाथी शेर, हाथी शेर, लॉयन और एलिफेंट, ये ज़्यादा पावरफुल एनिमल होता है, इनको नीचे रखा। तो लॉयन भी जो है तो अलग अलग कंट्री का है, अफ्रीका का अलग है, अमेरिका का लॉयन अलग है, हर एक कंट्री का अपना अपना एक लॉयन होता है। तो उन्होंने वैसे अलग अलग लॉयन बनाया। आप अंदर में आप नीचे से आके जैसे एंट्री करेंगे तो सब में पहले आपको स्टैचू देखने मिलेंगे गणेश। हिंदू कल्चर में सब में फर्स्ट प्रथा श्री गणेश से स्टार्ट होता, उनको दिखाया। उसके बाद ये दो द्वारपाल, दो सिक्योरिटी आपको अंदर आने के लिए वेलकम कर रहे, उनके बीच में गजलक्ष्मी। जैसे तुमने उधर देखा वो छोटे गजलक्ष्मी थे, यहाँ पे बड़े गजलक्ष्मी हैं। और लेफ्ट से और राइट से देखना दो बड़े बड़े एलिफेंट है। वो एलिफेंट देख रहे, वो देखो उधर एक एलिफेंट इधर है, टूट गया वो। वो एलिफेंट के दो पीछे पिलर दिख रहे, वो पिलर में आप जाना, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है वहाँ पे। और दोनों साइड से आप जो ये देख रहे स्तंभ, अशोक स्तंभ, कार्तिक स्तंभ है ये। आपके पास 20 रुपये का न्यू नोट है क्या? पीला वाला जो नोट अभी जो न्यू निकला उसके पीछे देखो आप, ये स्तंभ है, ये स्तंभ यहाँ का फोटो है। वो एलोरा का जो केस उसके ऊपर जो बताया वो ये स्तंभ का बताया। तो ये जो लेफ्ट से और राइट से जो दो स्तंभ आप देख रहे ये दो अलग अलग इंजीनियरों ने किया, क्योंकि इतना इसका मटेरियल कट करके उसको सेपरेट किया, उसको सेपरेट किया, तो एक इंजीनियर ने इतना काम तो नहीं किया होगा, क्योंकि उसका बनाने के लिए उतना उम्र भी नहीं बचा होगा। तो आप ये पिलर पे जो कार्विंग देख रहे तो सेम उन्होंने भी वैसा ही किया। तो वो बार बार इधर देख के उधर जाके थोड़ी करते थे। ये जो ऐसे जो बड़े बड़े पेड़ों के जो पत्ते आते हैं ना सागवान के, उनके जो ऐसे बड़े बड़े लीफ होते हैं, वो उसको उसके ऊपर रफ कर कर देख कर रफ करते थे। वो एलिफेंट है ना, वो एलिफेंट के पास से गंगा जमुना सरस्वती देख के आप ऊपर आना, ऐसे ऊपर ये स्तंभ के आप ऐसे आगे जाना, उधर वहाँ भारत है। वो एक वॉल के ऊपर ऐसे देखना, उधर से माँ भारत है। फिर आप पूरा नीचे नीचे से चैरिट को राउंड मार के यहाँ पे आना, इधर रामायण है। ये रामायण देखकर आप ऐसे ऊपर जाना, वो जो लोग नीचे आ रहे आप ऊपर जाना, क्योंकि आप पूरा चैरिट को राउंड मारने के बाद रामायण देखकर ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने के बाद वहाँ पे शूज़ चप्पल उतार के अंदर जाना, अंदर जाने के बाद बड़ा शिवजी का शिवलिंग है। सब गुफाओं में हिंदू में शिवलिंग है, लेकिन वो सब शिवलिंग बड़े बड़े है, लेकिन वो उतने बड़े शिवलिंग के मुकाबले में ये उनसे बड़ा है। यहाँ पे सब में बड़ा शिवलिंग है, उसका नाम कैलाश है करके, ये केवस का नाम कैलाश है। ऊपर में दो लॉइन है, ऊपर देख रहे वो दो लॉइन के बीच में देखो एक लोटस है उल्टा, और वो जो चार लॉइन खड़े हैं उनके पैर के नीचे वो जो आप देख रहे वो भी बड़ा लोटस है। और ये गैलरी पे देखो यहाँ पे दिख रहा है छोटा लोटस है, इधर उधर एक लोटस है ऐसा ही छोटा। तो आप यहाँ से शिवलिंग पे जा रहे तो ये कमल से वेलकम हो रहा, और वो जो सामने गैलरी पे जो लोग बैठे हैं वो आपको ऐसे भजन कीर्तन करके म्यूजिक करके अंदर बुला रहे। वो सामने गैलरी पे बैठे जो लोग हैं वो आपको ऐसे ढोल वगैरह बजा के वेलकम कर रहे। फिर आप दूसरे में गए शिवलिंग का दर्शन कर रहे आप,
तो शिवलिंग का दर्शन कर रहे तो बड़े कमल से वेलकम हो रहा, और गैलरी में आएंगे तो ये छोटे छोटे कमल से वेलकम हो रहा। ये केस को रथ बनाया, रथ में जैसे राजा जाते वैसे शिवजी को जाते हुए दिखाया। वो देखो, वो शिवजी बैठे हैं, उनके आगे ये चार बॉडीगार्ड है, ये चारों भी जो राजा के आगे जो लॉइन है, एक ईस्ट में दिख रहा है, एक वेस्ट में दिख रहा है, एक नॉर्थ में दिख रहा है, एक साउथ में दिख रहा, और राजा आगे चढ़ा। ये केस को नरेश दंती दुर्ग राजकोट स्टार्ट किया, बनाने का श्रेय कृष्ण प्रथम देवराय को गया। वो कहाँ से थे ये जो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टीज थे, कहाँ से थे आपने सुना होगा, ये जितने भी ये जो राष्ट्रकूट थे ये विजयनगर साउथ कर्नाटक से थे। इसके लिए ये मंदिर आप देखो जैसे कर्नाटक में होते वैसे बनाया है ना, देखो ना आप ऐसे जैसे आप देखो इसको कर्नाटक का मंदिर दिख रहा है। ये केस को उनके राजा ने बनाया, इसके लिए उन्होंने उनका सिंबल लगाया गोपुरम। वो चारों तरफ से आप जो डिब्बे संदूक टाइप जो देख रहे ये कर्नाटक का सिंबल है, क्योंकि एक राजा का राज ये अफगानिस्तान तक चलता था, तो उनके राजा ने बनाया तो उन्होंने उनका सिंबल लगाया। ये केस को 200 साल 10 पीढ़ियों ने ऊपर से नीचे लाया, लेकिन आप इसको नीचे से ऊपर देखेंगे तो 5 स्टेप में बनाया। पहले स्टेप को बोलते सभा मंडप, जैसे आप किसी शादी विवाह में जाते हैं तो आपको कैसा एक डेकोरेट किया हुआ मंडप मिलता, इसको वैसे डेकोरेट किया था, लेकिन अब ये टूट गया सभा मंडप। दूसरे को बोलते नंदी मंडप, शिव का वाहन था ना नंदी, अंदर नंदी है। तीसरे को बोलते अर्ध मंडप, वेलकम मंडप, ये दोनों से ज़्यादा इसको डेकोरेट ज़्यादा किया। देखो वेलकम मंडप, आप अंदर जा रहे हैं वेलकम मंडप। गर्भगुड़ी, चौथे को बोलते गर्भगुड़ी, और पांचवे को बोलते सिंहासन। वो देखो ना राजा बैठे हैं ना, सभा मंडप, नंदी मंडप, अर्ध मंडप, गर्भगुड़ी, सिंहासन, 5 स्टेप में बनाया। ये शिवलिंग को आपने वो शिवलिंग देखा, वो देखो कृष्णेश्वर, वो सामने व्हाइट जो मंदिर आप देख रहे वो कृष्णेश्वर है, और उसके आगे कभी जाएंगे 500 मीटर और आगे तो एक तीर्थ कुंड है हमारे गांव में, बहुत बड़ा शिवालय तीर्थ कुंड है, पानी का पत्थर का कुंड है, वो अहिल्या भाई होलकर ने बनाया, बोले तो बनाया पत्थर में बाद में उसको, वो तो वो पहले से है वो। ये और ये तीनों को अगर आप ऐसे हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखेंगे या वहाँ से देखेंगे तो एक लाइन में है, ये अभी भी लाइन में है। ये राजा का वो जो दौर होता था पूजा करने का, तो वो सीधा आके पूजा करके सीधा जाते थे। ये डेवलपिंग हुआ, ये गार्डन वगैरह बन गया, अपने को आप रोड बदल गया, और अपने को आप पूजा करने नहीं देते। वर्ल्ड हेरिटेज में गया ना ये, अगर इस पे फूल चढ़ाएंगे दूध चढ़ाएंगे तो ये पत्थर ख़राब हो जाएगा, इसके लिए आप अपने को पूजा करने नहीं देते। नहीं तो मैं देखता था मेरे बचपने में 1999 में कि इसका पूजा होता था, जब हम 9वीं 10वीं के क्लास में इधर आते थे घूमने के लिए तो हम देखते थे इस पे फूल वगैरह चढ़ाते थे लोग वहाँ से लाके। वो 12वां ज्योतिर्लिंग है ना, प्रकट शिवलिंग है, उसके लाइन में ये कैलाश को लिया। और ये जो केस के ऊपर ऐसे ऐसे स्टैचू बनाया, ऐसे ऐसी मूर्ति बनाया कि आपको ऐसे लगेगा 3D है। ये जो स्टैचू आप देख रहे ये 3D नहीं है, ये हैंड वर्क है। ऐसे उनको आप ऐसे गैलरी में ग्रेड में इसको कलर किया था, लेकिन वो कलर बाद में किया गया, वो पत्थर को वो सूट नहीं हुआ, और बारिश का पानी लग लग कर वो कलर निकल गया। जहाँ पे बारिश का पानी नहीं लगा आपको वहाँ कलर देखने मिलता, देख रहे हैं आप अजंता के जैसे। आपको कलर पेंटिंग कभी देखना है तो वो सीलिंग में देखना, यहाँ पे वो अभी तक नहीं निकला क्योंकि उन्होंने ये सब पेड़ों से मिक्स करके बनाया था तो निकल गया। ये केस के ऊपर आप देखो लॉयन और एलिफेंट ज़्यादा दिखाया, आप देखो छोटे में और आप बड़े में देखो लॉयन और एलिफेंट ज़्यादा दिखाया। तो लॉयन जो है तो ये विजय के प्रतीक होता है, और एलिफेंट ये वाहन के प्रतीक होता है, इसके लिए इनको ज़्यादा दिखाया। और सभी केव को फ्रंट से बैक साइड कट किया, 100-200 केस भी देखेंगे तो सबको
फ्रंट से बैक साइड कट किया, लेकिन यही चेक वर्ल्ड में ऐसी केस है कि जिसको पहले कलज बनाया, तो कलज बनाने का रीज़न ये था कि नरेश दंती दुर्ग जो राजकूट थे उनके रानी ने एक व्रत रखा था, फास्टेड किया था अपने 40 डेज का, ऐसा कि मैं जब तक पूरा मंदिर ना देखूं मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो राजा ने सोचा इसमें तो मैं भी नहीं रहूंगा, मेरे वंशज इसको आके पूरा करेंगे। इसके लिए राजा ने सभी काम करने वालों को बोला कि पहले आप इसका कलश बनाओ। वो जो आप कलश देख रहे हैं, वो कलश में वो जो गोल गोल राउंड है क्या, उसके ऊपर वो बड़ा जो मंदिर है, रानी को वहीं पर छोटा बना के बता दिया। वो देखो ना गोपुरम, जो बड़ा मंदिर था वो छोटा बना के बता के रानी ने अपना व्रत नहीं तोड़ा, बोला मुझे शिव की मूर्ति होना। तो इसके लिए बाद में उनके वाहन को बनाया, शिव का वाहन क्या था, तो देखो वो गोपुरम के नीचे चारों साइड से क्या है, नंदी है। नंदी के बाद में जो भी एनिमल है, हाथी, शेर, हिरन, घोड़े, ये जितने भी जो एनिमल है ये उनके बाद लिया। देखो ना आप, वो नंदी के पहले कोई एनिमल नहीं है, उस नंदी है, नंदी को देखकर आपने अपना व्रत तोड़ा। 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक इसको ऊपर से नीचे लाया, और इतना ऊपर से नीचे तक पत्थर अच्छा लगना तो उसको पहले इधर रफ किया। ये जो आप देख रहे सैंपल है, डुप्लीकेट, ये जो 16 नंबर यहाँ पे बनाया था उन्होंने, वहीं से वो जो आप वो खिड़की देख रहे वहीं से सुरंग वाले रास्ते से वो नीचे जाते थे, और एक रास्ता आपको बताया दौलताबाद फोर्ट भी निकलता। ऐसे सुरंग वाले राजाओं के जो अंडरग्राउंड रास्ते होते थे उसको बंद किया। हाँ, ये ऐसे ये जो लाइन आप ये जो टूटे हुई लाइन देख रहे हैं ये पिलर के ऊपर, उधर वो आगे वो जो लाइन है वो खजुराहो के जैसे सेक्सी स्टैचू, इस वजह से दिखाया कि आपको मंदिर में शिवलिंग में जाना है तो आपका फीलिंग ये मन में से निकाल कर ही आप प्रवेश करना, इसके लिए उसको दर्शाया। इसमें दो द्वारपाल आपको अंदर आने के लिए वेलकम कर रहे, दो जाने के लिए थैंक यू भी कर रहे। देखो इसमें इधर से आते समय दो वेलकम कर रहे और इसमें दो धन्यवाद कर रहे, इधर भी दो है ना खड़े हुए, चार द्वारपाल इसमें छः। कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको चार द्वारपाल सिक्योरिटी कहीं नहीं है, ये बड़ा है ना, शिव की परिक्रमा करना है, ये शिव की परिक्रमा है, तो शिव की परिक्रमा ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो देखो आप ऐसे आए, ऐसे करना शिव की परिक्रमा, ये हाफ करते या फुल करते, हाफ करते, क्योंकि नंदी होता है, नंदी को उंगाल के नहीं जा सकते, परिक्रमा हाफ होती। देखो आपकी ये देखो, आप वहाँ से गए गंगा जमुना सरस्वती देख के आप ऐसा पूल फुल आ गए, और ये हाफ, ये नंदी तुम्हारे पीछे रह गया। ये केस को आपको कम से कम 1 ओवर लगेगा,